हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है योर टेक बफ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में, जिसको आप जैसे ही अपने फोन में यूज करेंगे तो आपका ये जो फोन है, इसकी जो स्क्रीन होती है, इसके बैकग्राउंड में आपको स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स वगैरह दिखाई देंगे। तो जैसे ही आप अपने फोन को यूज करेंगे, इसमें कोई भी एक्टिविटी मूवमेंट वगैरह आप करते हैं, तो आपका ये जो फोन का बैकग्राउंड है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग से विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आपके आसपास जो भी लोग आपको फोन यूज करते हुए देखेंगे, वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे आपके फोन को देख करके, इसकी स्क्रीन को देख करके। उनको भी लगेगा कि आपने ये स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह अपने फोन में कैसे लगाए हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस ऐप के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं इसका ऐप का नाम क्या है और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऐप है, ये आपको फ्रीली प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो हम प्ले स्टोर के आइकन पे टैप करके प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे, और ऊपर ये जो सर्च बार दिखाई दे रहा है, इस पे टैप करके हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे मैजिक फ्लूइड्स फ्री। तो जैसे ही आप ऊपर लिख देते हैं मैजिक फ्लूइड्स फ्री और इसको सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ये वाला ऐप दिखाई दे जाएगा। तो आपने इसका आइकन देख लेना है, ये वाला ऐप है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये जो ग्रीन में इंस्टॉल का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करके मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके की ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो ये जो ऐप है, अब ऑन हो गया है। आप नीचे देख सकते हैं, एक कॉर्नर में लेफ्ट साइड में एक फिंगर का आइकन बना रहा है, और राइट साइड में तीन डैश का मेन्यू का ऑप्शन बना रहा है। तो ये जो ऐप है, अब ऑन हो गई है। अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली इस पर टैप कर देना है। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग टाइप के स्पेशल इफेक्ट दिखाई देंगे। तो जैसे ही आप अपनी फिंगर्स वगैरह इस पे मूव करते हैं, तो आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्पेशल विजुअल इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो आपने अपनी जो फिंगर्स है, उसको इसके ऊपर स्वाइप करना है, मूव करना है। तो जैसे ही मोशन, आप कोई भी मोशन इस पे करते हैं, तो उस हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो है ना, ये बहुत ही कूल सा एप्लीकेशन। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपके घर में या बाहर जहाँ भी आप इसको यूज़ करेंगे, तो आसपास के जो भी लोग हैं, वो इसको देख करके भी काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे। तो आप चाहें तो इस ऐप को, जो आप यूज़ कर रहे हैं, इसको एज ए लाइव वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो राइट में ये तीन डैश का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करेंगे, और उसके बाद ये अलग अलग ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पर सेट एज लाइव वॉलपेपर का भी ऑप्शन है, तो इस पर टैप कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, नीचे लिखा रहा है सेट वॉलपेपर, इस पर टैप कर देंगे। तो ये जो है, हमारे वॉलपेपर की तरह सेट हो जाएगी। अब मैं होम स्क्रीन का बटन दबा देता हूँ। अब ये मेरी जो है होम स्क्रीन आ गई है फ़ोन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बैकग्राउंड में जो है ये ऐप अब प्ले हो रहा है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं स्पेशल इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही मैं फिंगर से इस पर टैप कर रहा हूँ। तो अगर मैं फ़ोन को स्वाइप करता हूँ, उसके बाद भी यहाँ पर साइड में इसके अलग अलग इफेक्ट्स आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके बैकग्राउंड में भी इसके स्पेशल इफेक्ट्स ऐप के आपको दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इस ऐप के बारे में बता दिया है, और आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी बता दिया है। अगर आप किसी वजह से चाहते हैं कि ये ऐप जो है, इसका जो आपका पुराना वॉलपेपर था वो वापस आ जाए, ये जो स्पेशल इफेक्ट है यहाँ पर ना दिखाई दे, तो इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग्स का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करके सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे, और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको वॉलपेपर का एक ऑप्शन दिखाई देता है, उसको खोल लेंगे। और उसके बाद जो साइड में आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे लिखा है माई पेज, उस पर टैप करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर वॉलपेपर्स वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है, आपको जो आपके फ़ोन में पुराने वॉलपेपर हैं, सिंपल वाले, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इनमें से कोई भी वॉलपेपर पे आपने टैप कर देना है, और टैप करने के बाद नीचे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेट एज होम स्क्रीन कर देंगे, या फिर आप सेट बोथ वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेट होम स्क्रीन। तो इसको आप जैसे ही कर लेते हैं और बैक दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका जो पुराना होम स्क्रीन वाला वॉलपेपर था, सिंपल वाला, वो वापस आ जाएगा, और वो जो हमने इंटरेस्टिंग विजुअल इफेक्ट वाला लाइव वॉलपेपर लगाया था, वो यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर ये ऐप आपको पसंद आया है, और ये वीडियो भी आपको पसंद आया, तो इसको लाइक करिए, साथ ही इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप मुझे नीचे कमेंट में लिख करके भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज वगैरह मिलती रहती हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में घंटी का आइकन दिखाई देता है, उसको भी दबा देना है। इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं यूर टेक बफ को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलूंगा आपको जल्द ही अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।